हाय फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रहे हैं दूध गप्पा। ये दिखने में जितना सुंदर है, खाने में उससे कहीं गुना ज्यादा टेस्टी होते हैं। एक बार आप इसे बनाओगे तो घर वाले के डिमांड पे हर बार आपको दूध गप्पा ही बनाना पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड्स, झटपट दूध गप्पा की रेसिपी देख लेते हैं। एक बड़े साइज के बर्तन में 150 ग्राम मैदा लिए हैं। मैदे के अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक को मैदा के साथ अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो लगा लेंगे। रोटी या पूरी के लिए जैसे आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा सा टाइट आटा लगाना है। डो को दोनों हिस्सों में तोड़ लेंगे और एक हिस्से को रख देंगे साइड में। डो के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और पतला बेल लेंगे। रोटी का थिकनेस ऐसा होना चाहिए। मैंने एक कुकी कटर लिए हैं कट लगाने के लिए। आप चाहें तो कोई भी ऐसे ढक्कन से कट लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को उठा लेंगे और वापस से इसको बेल के कट लगाएंगे। एक मैदा डस्ट किया हुआ प्लेट में उठा के रख लेंगे। इस तरीके से सारे बना लेंगे। सारे मैंने बना लिए हैं। कढ़ाई में 1 लीटर दूध लिए हैं। दूध में उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ गए हैं। एक बार दूध को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। डाल देंगे 100 ग्राम चीनी। चीनी के साथ दूध को मिलाते हुए 2 मिनट के लिए और उबालने देंगे। दूध को उबालते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब कटे हुए पीसेस को थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे दूध के अंदर। अच्छे से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम में छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। छोड़ना नहीं है, बीच बीच में इसे चलाते रहना है। 8 से 10 मिनट हो गए हैं। दूध का थिकनेस देखिए ऐसा होना चाहिए। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। गैस के फ्लेम को कर दिए हैं स्लो। अब डाल देंगे 3 चुटकी इलायची पाउडर। अच्छे से मिक्स करके गैस बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक एक गप्पा कितना खिले खिले नजर आ रहे हैं। अब दूध गप्पे को सर्व कर लेते हैं। 4 पीस पिस्ता ग्रेट करके लिए हैं। इससे गार्निशिंग करेंगे। आप चाहें तो आपका कोई भी फेवरेट ड्राई फ्रूट से आप गार्निशिंग कर सकते हैं। खाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।